तो देखो फ्रेंड्स, अभी ये जो मैंने शरणार्थ जी बना लिए हैं ना, अब इस पर मैं कलरिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे फेस तो कंप्लीट किया ही नहीं, फेस के लिए चाहिए मुझे फ़ोन, फ़ोन से मैं करती हूँ एडिटिंग वगैरह। मगर इससे पहले वाली वीडियो मेरी सेविंग पे चलेगी, जब तक वो वीडियो सेविंग पे चलेगी जिसमें कलर करके आपको बता दूँगी, जब पूरे पे कलर हो जाएगा तब तक मेरी वीडियो भी सेव हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो जस्ट एक थोड़े से पार्ट पर मैं कलर करके बता दूँगी और फिर फ़ोन रख दूँगी। जब तक मेरी वीडियो सेव होगी तब तक मेरा पूरा ही काम हो जाएगा, मतलब पूरा बैकग्राउंड का कलर। तो ऐसा ही करते हैं और आज का ब्लॉग भी हम यहीं से शुरू करते हैं। आई होप कि आपको शरणार्थ जी पे जो मैं कलर करूँ वो अच्छा लगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमने क्या किया है, शरणार्थ जी को यहाँ पर ऐसे बालकनी में ऐसे फ्लैट करके ऐसे मैंने रख दी पूरी शीट को इस तरीके से। और अब कलर लाते हैं अंदर से, कौन सा कलर इस पर करेंगे वो कलर लाते हैं अंदर से। तो इसके बैकग्राउंड में मैंने बहुत सोचने के बाद पहले मैं कर रही थी सी ग्रीन कलर। सी ग्रीन कलर हमेशा ही शरणार्थ जी के पीछे होता है, फिर मैंने मतलब बहुत ही कॉमन है तो मैंने वो भी कैंसिल किया। फिर मैंने सोचा कि ब्लैक कलर करूँ, फिर उसको भी सोचने में मतलब इन सब चीज़ों को सोचने में मेरा हो गया आधा घंटा। फिर मैंने सोचा कि उन्हें इस पर किया जाए हमारे रेड कलर। तो अब हम पूरे इस पर लोटस वगैरह इनको छोड़ के पूरे बैकग्राउंड में करेंगे रेड कलर इस तरीके से। तो देखो मैंने उसको पिंटरेस्ट पे क्या कर रही है, तो देखो मैंने इसको इतना कंप्लीट करा है यहाँ से, ये जो पैच है वो हमारे ह्यू ने कर दिया था, निशान लगाया और इतना मैंने इसको कर दिया है कंप्लीट। और कुछ कुछ काम करेंगे हम, और क्या करेंगे वो दूसरा पिकअप वाला है ना उसको करेंगे थोड़ी सी देर काम वाम करके, खाना वाना बना के बाहर से सामान लाना है बुला के, उसके बाद में वो पिकअप वाला काम करेंगे जो दूसरा क्राफ्ट बना रही थी। तो देखो सुबह से टाइम निकाल के अब हम बैठे हैं इस वाले काम में, ठीक है। इससे पहले शरणार्थ जी का मैंने आपको बता दिया है क्या कर रही हूँ, अब मैं इसकी टेल पे कुछ काम करूँगी यहाँ। और ये मेरे पास एक जैसे हमारे वो साड़ी की फॉल वगैरह आती है ना, तो ये उसके कागज़ हैं, मैं संभाल के रखती हूँ। किसी भी जैसे कोई ड्रेस लाया कुछ भी लाया उसके पीछे ये कागज़ वगैरह होते हैं जिन्हें संभाल के रखती हूँ। सबसे पहले मैं ये लेना चाह रही थी, मगर इसका सरफेस देखो क्लीन नहीं है, मतलब प्लेन नहीं है, इसलिए ये नहीं ले रही हूँ, ये वाला ले रही हूँ। अब इसे क्या करूँगी मैं देखना, इसे मैंने फोल्ड कर लिए हैं इस तरीके से, मैं फोल्ड कर लूँगी और अगेन इस तरीके से मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। ये देखो इस तरीके से ऐसे, फिर हम बीच में से इसको काट लेंगे। पहले मैंने सोचा था चार फोल्ड करके बना दूँगी, मगर थोड़ा सा मोटा पेपर है तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे काट लेंगे। अब इस पर हम इसकी वो जो डिज़ाइन होती है ना पिकॉक के ऊपर, वो ऐसे कट कर लेंगे ये इस तरीके से लीफ के शेप में। कुछ बड़ी हो जाए कुछ छोटी हो जाए चलेगा, ऐसा कोई नहीं है कि ये बड़ा हो गया ये छोटी हो गई, उस अकॉर्डिंग। जैसे ये मैंने दो लीव्स कट कर ली, दो हो जाएंगी हमारी ऐसे और ये ऐसे इस तरीके से। फिर ये ले लिया, ये सेम थोड़ा सा छोटा साइज़ ले लेंगे, कुछ बड़ा और कुछ छोटा इस तरीके से, हमको ये ऐसे कट करके अपने पास इकट्ठे कर लेना है। अगेन ये मैंने बड़ा ले लिया, टेल को हमको जस्ट इनसे ऐसे भरना है। देखो मैं आपको एक बार जस्ट बता देती हूँ, ये ले लिया ठीक है, ये साइड में रखे ऐसे और सारे बनाने हैं, मगर मैं आपको जस्ट बताने के लिए ये ले लिया। और इससे हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे काम और इससे भरेंगे हमारी ये पूरी ऐसे टेल। और जो छोटे होंगे उनको ऐसे इस तरीके से अंदर लगा देंगे, और ऐसे करके हम पूरी टेल को तैयार कर देंगे। और आपको पता चल रहा है कि अब हमें चाहिए ये बहुत ज़्यादा, मतलब बैठे बैठे हम पहले ही ऐसे इतने सारे कट कर लेते हैं। तो देखो इतने सारे ये हमने कट कर लिए हैं सारे के सारे, और अब हम इसे टेल पे यहाँ लगाते जाएंगे। अब लगाएंगे कैसे आपको बता देते हैं, जैसे गम लगाया इतना सा गम लगाया, गम लगाने के बाद में
वन बाय वन, जैसे यहाँ लगाया, ये थोड़ा सा टेल से बाहर निकलते भी इसी गम को, जैसे ये ज़्यादा गम आ गया तो मैं इसे यूज़ में लेके इधर, मतलब पहले इसके मैं साइड साइड पे लगा देती हूँ, ये ऐसे इधर इस तरीके से, थोड़ा सा गम यहाँ और फिर अब ऊपर से भरना शुरू कर देंगे यहाँ जहाँ ये गम था। तो इस तरीके से हम ये सारा का सारा इसको टेल को बंद करते चले आएंगे। इसी से ये पिकॉक का पूरा इस तरीके से, अब नीचे वाले पार्ट पे आएंगे। अच्छा यहाँ ये तो ट्रंक का पार्ट शायद था, नीचे वाले पार्ट पे तो हल्का सा हमने गम लगाया इधर, और अगेन थोड़ा सा लेके यहाँ कर दिया। बस इसके यहाँ पॉइंट पे लगाना है, जैसे ये थोड़ा सा उठे उठे से फैदर लगे, इसके पूरा नहीं चिपकाना है, थोड़ा सा बस इसके ऊपर वाले पॉइंट पे लगाना है और ऐसे छोड़ देना है ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, जिससे ये उठे उठे से दिखे। तो देखो इसको मैंने इतना कर दिया है, अब मैं एक बार उसको उठा के दिखाती हूँ, ये इस तरीके का लगेगा ये। और यहाँ भी मैंने एक थोड़ा सा कट करके, अब इसको कट करके सॉरी और इसका एक विंग्स बना दिया, बाकी ये इस तरीके का सा, ये उठे उठे लगेंगे। अब इसे हम रख देते हैं सुखाने के लिए, अब करेंगे कल, अभी तो हम सोने की तैयारी करेंगे। तो देखो आज हम लेके बैठे हैं, उस दिन मैंने वो तो साफ़ कर दिए थे, रबर बैंड, रबर और इरेजर का काम कर लिया था। आज हम इस बॉक्स में सारे निकाल रहे हैं, वैक्स कलर और पेंसिल कलर के। देखो इस तरफ मैंने रख दिए सारे के सारे पेंसिल पिक्चर के और वैक्स कलर, अभी पानी में डिप करके साफ़ करके उसके बाद फिर मैं भरूंगी ऐसे दो कंटेनर में, तो फिर से ये काम कर लेते हैं, सारा कचरा हटा देते हैं। बच्चों कितने सारे के सारे इनका छोटी छोटी पेंसिलें फेंक दूँगी, ये किसी काम की नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी सी है, ये बच्चे भी यूज़ में नहीं लेते हैं, फिर जो वेस्ट होगा निकाल देंगे और जो काम का होगा वो रख लेंगे। और ये सब बच्चों के ही काम में आते हैं, वापस ये छोड़ जाते हैं, मम्मी के यूज़ में आते हैं, जैसे सामान नहीं लाए तो उस अकॉर्डिंग सब छोटे दूसरा काम करने में डर। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह से सारे काम से हम फ्री होके अब हम लगे हैं हमारे श्रीनाथ जी वाली पेंटिंग में। सबसे पहले मैं उसे कंप्लीट करूँगी, और अभी बची है घड़ी में 11:10, हाँ 11:10 बाकी है, और अभी हम करेंगे हमारे श्रीनाथ जी, क्योंकि आ जाएगी हमारी 2:30 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और वो चलेगी 5:30 तक, 5:00 हो जाता है तो टाइम नहीं मिलेगा शाम को। अब पूरा वीक का काम हमें सुबह ही करना पड़ेगा और मैक्सिमम 2 या 3 घंटे लेके करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं श्रीनाथ जी पूरे करूँगी और बताती हूँ आपको कैसे, और थोड़ा सा इससे पहले ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि हम वो ब्लॉग की शुरुआत कर चुके हैं कल ही। बताती हूँ मैं आपको मैंने इसको कैसे सेटअप किया, क्योंकि एक तो खड़े रहने में बाहर दिक्कत हो रही थी, मतलब बालकनी में सब दिखता है तो माइंड डाइवर्ट होता है, और मैंने अब अपने रूम में रख दिया, ये जो मेरी ड्राइंग क्लास का रूम है यहाँ रख दिया। और कैसे रखा है मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखो मैंने मेरी यहाँ मेरी जो चेयर्स टेबल है ना बच्चों के, उसको मैंने डबल कर दिया, ये देखो इधर और ये इधर, बचाएंगे तब हटा दूँगी, मगर अब तक मेरे काम करने के लिए ये टेबल ठीक रहेगी। इसका दूर से फलू करता है ये इस तरीके से, ऐसा नीचे बैठ के परेशान हो जाता है तो, और खड़े होके कहीं ऐसी जगह नहीं है कि मैं इसको रख पाऊँ, और बालकनी में बार बार बारिश आ रही है तो खड़े होके इसको कंफर्टेबली मैं ऐसे कर दूँगी ऐसे। और मैंने इसके लिए लिया है 18:12 और 6 नंबर का ब्रश, ज़्यादा बड़ी जगह होगी तो फटाफट ये कोट करके छोटी जगह में इस वाले ब्रश से, और छोटी जगह में बिल्कुल बारीक काम करने के लिए हम लेंगे ये वाला ब्रश, ऐसे करने के लिए, इस तरीके से करने के लिए। और कलर का डिब्बा हमारा ये रहा, ठीक है तो अब शुरू करते हैं हमारा काम। तो देखो इस तरीके से फटाफट से ये सारा रेड का सारा काम करती हूँ मैं, ऐसे टाइम लग जाता है, और उसके बाद हम करेंगे हमारे पिकॉक का काम। तो देखो जैसे कि ये बड़ा ब्रश है, फटाफट फटाफट से इसका ऐसा कोट कर देंगे। कल देखो यूनिक
करा था यहाँ पैच पड़ गया, उसको हटाने में थोड़ा सा टाइम जाएगा हमारा। तो इस तरीके से फटाफट से बड़े ब्रश से हम कर देंगे हमारा सारा काम। साक्षी क्या कर रही है बताइए। हमें साक्षी है ना फिर टाइम पास करके, अब इसके पास कुछ काम ही नहीं है तो ये क्या करे। CET के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, वो आगे बढ़ गए, तो अब ये क्या करेगी बैठ के। तो ये कुछ कुछ करती रहती है, पहले पेंटिंग बनाई फिर कुछ कुछ करती रहती है, पेंटिंग्स बहुत सारी बनाई। अब ये कर रही है क्ले, अब ये किससे कर रही है मैं बताऊँ, किससे, POP से नहीं, वो वॉल पुट्टी से, वॉल पुट्टी का पैकेट। वो अब बिस्तर पर बैठ के कर रही है, इसको मना करते तो भी ये पलंग पर बैठी बैठी करती रहती है। ये देखो इसने वॉल पुट्टी का कल रात को पहले फर्स्ट टाइम ये कुछ बनाया है, अब इसे क्या तैयार करेगी वो हम बताएंगे। और इसने देखो इसका ये डो तैयार करके इसमें रखा है वॉल पुट्टी का। चलो ठीक है ये पूरा बना लेगी, इसको बताएंगे इसने बनाया क्या। तो देखो इतना मैंने कर लिया है कंप्लीट, ये यहाँ से इतना और ये इतना, ऊपर से दिखाई देता है, ऊपर से भी नहीं दिख रहा, मैं इस टेबल पर चढ़ जाती है। देखो इतना बहुत ही बड़ा है, तो मेरे क्या खड़े खड़े कमर भी दुखने लग गई। अब इस काम को यहीं ख़त्म करेंगे, 1:30 होने वाला है और उसको लेके बैठेंगे अपने पिकॉक को, जो मैं दूसरा क्राफ्ट बना रही थी, इसको यहीं सूखने के लिए रख देती हूँ। और पिकॉक मैंने कहाँ रखा है, नीचे, यहीं इसके जिस नीचे इसी रूम में मेरा सारा सामान रखती रहती हूँ। तो देखो ये रहा हमारा पिकॉक, अब इस पर कुछ कुछ काम करते हैं, हम शुरू करेंगे हमारा काम। उससे पहले मैं दिखाती हूँ साक्षी ने कितना किया। देखो क्या बनाया है इसने, इसका ये बना दिया है, इसके ऊपर ये रखेगी और ये बनके क्या तैयार होगा वो भी हम देखेंगे। और ये क्या करी, सीधा तो कर, ये ऐसे मत रखना साक्षी, मैं बताऊंगी बेटा अभी कैसे रखना, ऐसे मत रखना। अरे मैं बस वो लगा रही हूँ। अच्छा सीधा रख, एक बार सीधा रख, मैं दिखा दूंगी क्या बनाया है। देखा, अच्छा ये इसका स्टैंड बनाया है ना, ये भी हम बताएंगे ये क्या बना रही है। चलो ठीक है करो भाई करो, सूखने में इसको क्या बहुत टाइम जाएगा, बिकॉज अभी क्या रेनी सीज़न है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। गर्मी में बहुत जल्दी सूखता है, मगर अभी विंटर में और बारिश के सीज़न में बहुत टाइम लगता है इसको सूखने में। तो देखो अभी हमने क्या किया, सारा सामान फर्श पे लेके बैठ गए, क्योंकि है ना अब टाइम नहीं है हमारे पास। वहाँ टेबल के नीचे वहाँ बुद्धा जी रखे हुए हैं, बुद्धा जी के श्रीनाथ जी रखे हुए हैं, सारी टेबल वहाँ अंगेज होके रखी है, तो इसीलिए। और ये मेरे पास एक पेपर था, थोड़ा सा इसकी थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसीलिए हमने टेबल नहीं लगाई, फर्श पे ही ऐसे बैठ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लावर्स लगा लेते हैं, फ्लावर के बाद फिर लीव्स। तो फ्लावर बनाने का पैटर्न क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। अगेन ये क्या मोटा पेपर है, इस पर ज़्यादा कुछ बन नहीं पाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, इसके छोटे छोटे से पीसेस कर ले रही हूँ, इतने इतने ऐसे मैंने कर लिया। और ड्रॉ करें या नहीं करें अपने अकॉर्डिंग, फ्लावर में पहले बना लूँगी। देखो ड्रॉ ही कर लेते हैं, नहीं तो क्या पता नहीं चलेगा। पेंसिल 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 मिल गई भाई। तो देखो दो पीसेस एक साथ कट करेंगे और हमने बड़ा फ्लावर बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे करके हम बनाएंगे एक फ्लावर ऐसे। ये वाला फ्लावर मैंने ड्रॉ कर लिया है, अब इसे मैं कट करूँगी। एक साथ दो बना रही हूँ ना, एक साथ दो पेपर हैं, तो ये दो फ्लावर हमारे कट के ऐसे निकल जाएंगे। देखो ऐसे हल्का सा आप इसको, अगर आपको लगता है कि पेटल सही ड्रॉ नहीं हुई है, तो उसको पेटल को साथ के साथ आपको शेप भी देते रहना है। ये देखो इस तरीके से ये ऐसे, और ये कटा हमारा एक और ये फ्लावर का पेटल ऐसे इस अरे इस तरीके से। तो ये हो गए हमारे पास दो फ्लावर इस तरीके से। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे फ्लावर बना लूँगी ऐसे। ये वाले जो फ्लावर है ना, कम से कम 10 एक फ्लावर तो ऐसे बना लेते हैं। आप और भी कोई डिज़ाइन लगा सकते हैं, इसका पेटल ही ख़राब हो गया वो मैं सही कर लूँगी। आप और भी कोई डिज़ाइन बना सकते हैं फ्लावर की, मगर मुझे तो ये अच्छी लगी इसलिए मैं ये बना रही। पता नहीं क्यों साक्षी को क्या हुआ, क्या हुआ, टूट गया जोड़ो उसको, साक्षी का क्ले ख़राब हो गया है। तो देखो साक्षी इसको, इसने जो कल बनाए थे ना, वो अब इसको ये जो होता है ना,
जैसे सरफेस को सैंड पेपर, सैंड पेपर, हाँ हाँ बोलते भारी ओके सैंड पेपर, इसको बता दे साक्षी कैसा क्या बनाया, नीचे से बता दे इसके स्टैंड में कैसे बना। अभी जब कलर करेगी तब आपको पता चलेगा ये क्या बनाया है। और ये बनाया है हाँ, ये बनाया है फ्रॉग बनाया है, और ये वॉल पुट्टी से बनाया है। और वॉल पुट्टी आती है 40 रुपये केजी का पैकेट आता है, बहुत ही सस्ता पड़ता है। और उसमें सिर्फ आपको मिलाना पड़ता है पानी, पानी मिलाने के बाद एक डो तैयार किया जाता है। फॉर एग्जांपल उसका डो ऐसे तैयार किया जाता है, 4 पैकेट अगर आपने वॉल पुट्टी का पाउडर लिया है तो 4 चम्मच अगर आपने वॉल पुट्टी का पाउडर लिया है तो 4 चम्मच ही आपको उसमें पानी मिला के अच्छे से मैश करके डो तैयार करना पड़ता है। और जब डो तैयार हो जाता है तब इस तरीके से उसको बनाया जाता है। ये बना दी फ्रॉक, पूरा कलर वाला हो जाएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा। और ये इसमें इसने रिंग होल्डर बनाया, इसमें ये रखेगी रिंग्स, ठीक है। और इसने ये वाला बनाया है इयर रिंग्स रखने का, यहाँ इस जगह जो होल्स हो रखे हैं यहाँ टकेंगे इयर रिंग्स। और इसका भी कलर पूरा हो जाएगा उसके बाद ये आपको दिखेगा। तो ये बहुत ही सस्ता होता है, अगर आप क्ले लेंगे शिल्पकार क्ले या दूसरी क्ले तो वो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। 40 रुपीज़ का वॉल पुट्टी का पूरा पैकेट आता है, उसमें से 1/4 पार्ट ही लगा, बाकी सारा लगा है। काफ़ी कच आप बना सकते हैं उससे और भी, और ना कोई गम की ज़रूरत होती है ना किसी की ज़रूरत होती है। देखो वॉल पुट्टी का पाउडर ये रहा, पैकेट मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला कोई सा भी कंपनी चल रही है, ये बिरला वाइट का है, कोई सा भी चल जाता है। तो चलो ठीक है, अब ये इसको क्या कर रही है, इसमें फिनिशिंग ला रही है, ऐसा पाउडर निकलेगा इसमें। और ये इसके सारे सरफेस को कर रही है स्मूथ, और उसके बाद हम इस पर करवाएंगे एक बार प्राइमर का कोट। प्राइमर का कोट करने की ज़रूरत है तो करिए, बाकी करेंगे तो अच्छा होगा, उससे कलर में अच्छे से आएगी शाइन। फिर ये जैसे हो जाएगा, ये अच्छे से सूख चुका है। अभी मौसम क्या, बहुत मौसम में बहुत मॉइस्चर है, बहुत ही ठंडा हो रखा है, तो इसको सूखने में प्रॉपर 1 दिन चाहिए होता है। और अगर ये गर्मी होती तो गर्मी में देखो इतनी अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई, और गर्मी होती तो गर्मी में ये जस्ट 3-4 घंटे में सूख जाता है, मगर सर्दी में और बारिश के सीज़न में कम से कम इसको 1 दिन चाहिए होता है। सूखने के बाद हम इसमें वॉल प्राइमर का कोट करेंगे जिससे कलर में शाइन अच्छे से आए। वो नेसेसरी नहीं है मगर हम तो हमेशा करते हैं वॉल प्राइमर का कोट, वो भी सस्ता आता है, वॉल प्राइमर महंगा नहीं आता है इतना बड़ा भी। जैसे मैं हमेशा मेरी वीडियोस में दिखाती हूँ, दूसरे हिस्से में शेल्फ में से निकाल रही हूँ, इसलिए ये इस तरीके का होता है। ये रहा वॉल प्राइमर, ये 140 रुपीज़ का पूरा डिब्बा आता है। और ये अगर एक बार लाए ना तो ये 2-4 साल आराम से चलता है, आराम से 2-4 साल, और कम से कम काम में ले तो इससे भी ज़्यादा चल जाता है। तो चलो ठीक है, ये इसका स्मूथ करिए सरफेस, उसके बाद क्या करेगी मैं बताऊँगी फिर। देखो मैं साक्षी सूंघ रही है इसको, इसकी खुशबू बहुत, और वास्तव में इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, हमको तो बहुत अच्छी लगती है। देखो इसमें कितना कचरा निकला, इतना सारा। ये साक्षी का अब कितना स्मूथ हो गया साक्षी बता दो, ये इतना आपको दिख रहा होगा वीडियो में, बहुत ज़्यादा ही हो गया स्मूथ इससे। और इतने सारे इसमें ये सब पेस्ट है, इसको हम फेंकेंगे। और देखो इसकी स्मूथनेस देखो आप कितना भी प्यारा हो गया ऐसे। और ये भी अब इसमें वॉल पुट्टी का कोड करेगी, फिर इसके बाद ये खाना खाएगी, फिर कलर स्टार्ट करेंगे। साक्षी से पहले कलर मत करना। तो चलो ठीक है, वॉल पुट्टी का एक बार इसमें वीडियो में करके बता दे फिर मैं जाऊँ हाई सोले में कर ले। तो वॉल पुट्टी का ऐसे इस तरीके से एक कोड कर देंगे, इससे क्या होगा शाइन बहुत से अच्छे आएगी, और हल्के फुल्के कोई भी क्रैक्स वैसे हैं नहीं, होंगे तो वो भी भर जाएंगे, और कलर कम एब्जॉर्व होगा। अगर हम डायरेक्ट इस पर करेंगे तो कलर अंदर अंदर तक ज़्यादा जाएगा, और आपका कलर जैसा कि आपको पता है कि हर चीज़ की रेट बढ़ गई है, कलर की भी सीधी डबल रेट हो चुकी है, तो वो क्या बहुत जल्दी एब्जॉर्व करेगा, दो दो कोट करने पड़ेंगे। इसमें सिर्फ एक सिंगल कोट से ही बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा प्लस शाइन। तो इन दोनों पे ही हम कर देते हैं वॉल पुट्टी का कोड। तो देखो फ्लावर कट करके इस तरीके से मैंने इसको चिपका दिया, और एक फ्लावर बचा था उसको नीचे लगा दिया, बड़ा छोटा और ये बिल्कुल बीच में सर्कल लगा दिया। और दो लीफ, ये जो लीफ इस तरीके से मैंने काट ली है और वो भी ऐसे लगा दूंगी। तो पहले लीफ वगैरह लगा लेते हैं फिर आपको बताते हैं। आइज़ भी बना देती हूँ इसका, एक छोटा सा सर्कल काट के ऐसे आइज़ भी लगा देंगे वहाँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो देखो इस तरीके से मैंने इसको बना दिया है ये। अब कलर वाला वीडियो में दूसरे बार, बस कलरिंग ही बाकी रह गई इसमें, कलर वाला वीडियो दूसरे ब्लॉग में डालेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, और बाकी दूसरा पार्ट आएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। और साक्षी उसमें जो कलरिंग करेगी वो भी उसी वाले पार्ट में डालूंगी, क्योंकि आज उसने कोई कलरिंग वगैरह नहीं की है उसमें। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।